हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉराइजन एंड बियॉन्ड। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम और नव ग्रहों के बारे में और कैसे सोलर सिस्टम की डिस्कवरी को हमारा कल्चर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट सबसे पहले इंट्रो। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा करंट टाइम में सोलर सिस्टम की डिस्कवरी गैलीलियो गैलीली ने की है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट जो सबसे ज़्यादा करती है वो है नवग्रह। जी हाँ दोस्तों, सोचने की बात ये है कि जब गैलीलियो ने 1609 में अपने एक अर्ली वर्जन टेलीस्कोप से सोलर सिस्टम में हमारी पोजिशन और प्लैनेट्स मून के बारे में बताया, उससे हजारों सालों पहले हम नवग्रहों की पूजा कैसे करते आ रहे हैं। हमारे देश भारत में ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो कि हजारों लाखों सालों से भी पुराने हैं। वहाँ नवग्रह कैसे हैं, हमें कैसे पता इन ग्रहों इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, यदि ये सब डिस्कवरी 1609 में हुए थे। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या बेसिक मौजूद है। सबसे बीच में है सन, जिसके चक्कर सारे प्लैनेट्स लगाते हैं, जैसे कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और प्लूटो भी था, जिसे अब प्लैनेट के पोजीशन से हटा दिया गया है। उसके कुछ अपने अलग रीजंस हैं साइंटिस्ट के पास, जो कि हमें नहीं पता। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नवग्रह के टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ नव का मतलब नौ ज़रूर है, लेकिन ग्रह का मतलब प्लैनेट से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ग्रह को सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में देखा गया है। इंग्लिश वर्ड प्लैनेट का ओरिजिन हुआ लैटिन के वर्ड प्लैनेटा और ग्रीक के वर्ड प्लैनेटे से, जिनका मतलब है वंडर या फिर मूवमेंट। आफ्टर रियलाइजिंग कि सेलेस्टियल बॉडीज सूरज के चक्कर काटती है, उन्होंने इनका नाम ये रखा और उसके बाद प्लैनेट्स की डेफिनेशन को आगे बढ़ा। अर्थ को प्लेन ऑफ रेफरेंस लेके हम प्लैनेट से ज़्यादा नव ग्रह पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये सेलेस्टियल बॉडीज हमारी लाइफ को अर्थ पे इन्फ्लुएंस करती है। सो सबसे पहले और बीच में होते हैं हमारे सन गॉड यानी कि सूर्य देव। इन्हें एक फ्लाइंग शैरिट में दिखाया जाता है, जिसे कि सात घोड़े खींचते हैं, जिनमें से हर एक घोड़े का रंग एक इंद्रधनुष के रंग से मेल खाता है। इन्हें रवि के रूप में रविवार का स्वामी भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि इनके पुत्र शनि यानी सैटर्न और यम और कर्ण महाभारत से रहे। सेकेंड नंबर पे है चंद्रदेव। इन्हें सोम के रूप में जाना जाता है। इन्हें सोमवार का स्वामी भी माना जाता है। इन्हें जवान तथा सुंदर रूप में वर्णित किया गया है। यह पूरी रात आकाश में अपना रथ अर्थात चांद चलाते हैं, जिसे 10 सफ़ेद घोड़े दौड़ाते हैं। तीसरे नंबर पे है मंगल ग्रह। इन्हें युद्ध के देवता के रूप में भी माना जाता है। यह ऊर्जावान, आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह लाल रंग का है। चौथे नंबर पे है बुध ग्रह। इनकी सवारी है एक पंख वाले शेर। ये चंद्र और तारा के पुत्र हैं। ये संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें शांत स्वभाव तथा हरे रंग में प्रस्तुत किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। यह देवताओं के गुरु हैं। ये ज्ञान और शिक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं और दानवों के गुरु शुक्राचार्य के विरोधी हैं। ये पीले सुनहरे रंग के हैं। सिक्स नंबर में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। ये दैत्यों के शिक्षक और असुरों के गुरु हैं। ये शुक्रवार के स्वामी भी हैं। सातवें नंबर पे हैं शनि ग्रह। ये काले कौए पर सवार होते हैं। ये शनिवार के स्वामी भी हैं।
आठवें नंबर पे हम बात करेंगे केतु की। ये सांप के पूंछ के रूप में प्रभाव देते हैं, इन्हें छाया ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नौवें नंबर पे हम बात करेंगे राहु की। ये राक्षसी सांप के मुखिया माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये सूर्य और चंद्र को निगलते हुए ग्रहण को उत्पन्न करते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारे नव ग्रह। अब शॉकिंग बात ये है कि सोलर सिस्टम की खोज अगर 1609 में हुई, तो नव ग्रह की खोज किसने की और कब की, किसे किसने कॉपी किया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे प्लूटो को प्लैनेट की डेफिनेशन से हटाने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज भी 9 प्लैनेट को ही मानते थे, सो अब पता नहीं क्या है। सो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।